सबसे बड़ी खबर तवांग मुद्दे को लेकर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना पर चाहे गलवान हो या तवांग, हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इसके लिए सेना की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कभी किसी के इंटेंशन पर शक नहीं किया है, झूठ बोलकर लंबे वक्त तक राजनीति नहीं की जा सकती है। दरअसल ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राहुल गांधी का एक तरफ स्टेटमेंट और उसके बाद रक्षा मंत्री का, चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटकनी मिली है। चीन एलएसी के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए अब नई साजिश रच रहा है। बताया कि ये जा रहा है कि चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। चीन के सैनिकों की कोशिश रहती है कि वो एलएसी के पास के इलाके में कुछ देर तक रुके और फिर वहां की फोटो खींचे ताकि चीन पर अपना दावा ठोक सके। हालांकि चीन के इन मंसूबों पर भारतीय जवान हर बार पानी फेर देते हैं। चीन की फोटो वाली साजिश, जमीन हथियाने का चीन का नया प्लान, भारत की जमीन पर कब्जे की चीन की नई चाल, एलएसी के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के बहाने चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में है और एलएसी के नजदीक चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए फोटो वाला प्लान बनाया है। खबर है कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के नाम पर किसी तरह सीमा पार कर भारत के इलाकों में घुसना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसकर वहां थोड़ी देर रुके, इसके बाद वो सिगरेट और खाने पीने की चीजों के पैकेट वहां छोड़ दें और इसकी फोटो खींचकर बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश करें कि वो इलाका उनका है। कहा गया कि चीन एक दो बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है।